संपूर्ण कलीसिया खजूर इतवार इसलिए मनाती है क्योंकि आज के दिन प्रभु येसु अपनी संपूर्ण महिमा के साथ यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते हैं। इसकी भविष्यवाणी नबी जकरिया के द्वारा की गई थी। जकरिया के ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 9 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, सियोन की पुत्री आनंद मना, यरूशलेम की पुत्री जय जयकार कर, देख तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं, वो न्यायी और विजयी है, वो नम्र है, वो गधे पर बछड़े पर गधी के बच्चे पर सवार है। प्रभु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, गधे को चुनते न कि घोड़े को। घोड़ा तो युद्ध में इस्तेमाल होता है, गधा गरीबी का प्रतीक है। ज्यों ज्यों ईसा आगे बढ़ते जा रहे थे, लोग रास्ते पर अपने कपड़े बिछाते जा रहे थे। जब वे मंदिर में पहुंचे तो पूरा समुदाय आनंद विभोर होकर आंखों देखे सब चमत्कारों के लिए ऊंचे स्वर से इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करने लगा, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम पर आता है, स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च में महिमा। ऐसी अनोखी महिमा पहले कभी नहीं देखी और न कभी देखी जाएगी, क्योंकि स्वर्ग और धरती का मालिक हमारे बीच में आ रहा है। क्या अद्भुत समा रहा होगा। भीड़ में कुछ फरीसी थे, उन्होंने ईसा से कहा, गुरुवर अपने शिष्यों को डांटिए। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि वे चुप रहें तो पत्थर ही बोल उठेंगे। सारी जनता प्रभु के जयकार के नारे लगा रही थी। प्रभु जिस मार्ग से जा रहे थे वहां का संपूर्ण वातावरण प्रभु में लीन हो चुका था। बहुतों ने उनके द्वारा चंगाई पाई एवं कई चमत्कार देखे थे। आज उनके स्वागत में आरव गूंज उठा था। भीड़ में से बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए। कुछ लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर रास्ते में फैला दी। ऐसा स्वागत तो अद्भुत ही था। ईसा के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग ये नारा लगा रहे थे, दाऊद के पुत्र को होसाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। इब्रानी भाषा में होसाना शब्द का अर्थ है जयकार करना। खजूर की डालियों से संपन्नता को दर्शाया जाता है। आज के दिन जो लोग प्रभु का जयकार कर रहे थे उनमें से कई लोग वहां भी मौजूद थे जब प्रभु को पोंतुस पिलातुस के सामने ले जाया गया, और उस वक्त इन्हीं लोगों का नारा था, इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो। और आपका नारा क्या रहेगा?